Hello everyone, in today's video I'm going to explain the central idea of the story, the thought label. Before starting this video, I have a small request. Please watch this video till the end. So without a further ado, let's get started. The central idea of the thought label story is that there may be alternative realities or parallel dimensions that can be accessed through a subway station. So ye central idea of the thought label story jo hai, isme do alternative realities ki baat hua hai, jaise alternative reality aur parallel dimension. Parallel dimension kya hota hai, jaise hum kehte hai ki dharti aur patal, is tarike se swarg aur hell, is tarike se do alag alag dimension, do alag alag jagah, theek hai na. Is cheez ko hum access kar sakte hai, access matlab wahan par ja sakte hai through subway स्टेशन. सबवे स्टेशन का मतलब जहाँ पे ट्रेन रुकता है, ठीक है, वो स्टेशन से उस अलग सा डायमेंशन पे, अलग सा लोक पे हम जा सकते हैं. इस तरीके का अल्टरनेटिव रियलिटीज को बताया गया है. द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस एंड चैलेंजेस द रीडर टू कंसीडर द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स. सो ऑब्वियसली ये स्टोरी जो है एक साइंस फिक्शन है, और इस स्टोरी में किस चीज को एक्सप्लोर किया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस, ठीक है. अब हमारे इस रियल वर्ल्ड पे एक डिफरेंट टाइमलाइन चल रहा होता है, डिफरेंट समय चल रहा होता है, और जहाँ पर हमारी कैरेक्टर वो एक टाइम ट्रैवल करके दूसरी जगह पर, दूसरी लोक पर जाते हैं, वहाँ पे दूसरी टाइमलाइन चल रहा होता है. और साथ ही साथ ये स्टोरी एक और चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि रीडर को चैलेंज करते हैं कि जो वास्तविकता के एक नेचर जो है उसको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं. एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, इस हमारे जो रियल वर्ल्ड है वहाँ से दूसरी दुनिया में, दूसरे डायमेंशन पे एक कनेक्शन, ठीक है, वो कनेक्शन को भी यहाँ पे ये स्टोरी में हमें जानने को मिलते हैं. बाय फॉलोइंग द प्रोटैगनिस्ट जर्नी थ्रू द थॉट लेबल द स्टोरी प्रॉम्प्ट अस टू क्वेश्चन आवर ओन परसेप्शंस, मेमोरीज एंड बाउंड्रीज ऑफ व्हाट वी बिलीव टू बी रियल. सो ये कहानी में हमारी एक मेन प्रोटैगनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे पूरा स्टोरी रिवॉल्व करते हैं. सो हमारे यहाँ पे एक जो मेन कैरेक्टर है वो उसकी एक जर्नी है. जर्नी मतलब थॉट लेबल पे जो सबवे रेलवे स्टेशन है वहाँ पे थॉट लेबल रहता है, तो उस थॉट लेबल से वो दूसरी डायमेंशन चला जाता है. इट मीन्स कि वो टाइम ट्रैवल करके दूसरे समय पर पहुंच जाता है. तो जो ये जर्नी जो है उसका, थॉट लेवल पे ट्रैवलिंग का जो एक जर्नी है, इस जर्नी को थॉट लेवल से दूसरे डायमेंशन पे जाने का जो एक मेन कैरेक्टर का एक जर्नी जो है, और मेन कैरेक्टर का नाम रहता है चार्ली. सो ये जर्नी हमें हमारे अपने ही परसेप्शन, अपने ही मेमोरी और द बाउंड्री ऑफ व्हाट वी बिलीव टू बी रियल, ठीक है, हम जहां तक सोच सकते हैं कि ये रियल है, इस तरीके का जो एक बाउंड्री हमारे माइंड में रहता है, ये तीन चीजों को क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर देते हैं. क्या ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से. इट इनवाइट्स अस टू इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स बियॉन्ड आवर ओन एंड एनकरेजेस अस टू थिंक मोर डीपली अबाउट द पॉसिबिलिटीज दैट लाई बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी एंड एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइव्स. सो ये कहानी हमें हमारी जो रियल वर्ल्ड जो है, ऐसे ही पैरेलल वर्ल्ड दूसरा एक और वर्ल्ड है, इस चीज को, ये दूसरा वर्ल्ड के बारे में हमें सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए, उस चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने के लिए हमें एक तरीके से न्योता देते हैं, और हमें एनकरेज करते हैं कि टू थिंक मोर डीपली अबाउट द पॉसिबिलिटीज, एक संभावना जो ऐसा वर्ल्ड हो सकता है, उस चीज के बारे में सोचने के लिए, उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने के लिए हमें एनकरेज करते हैं. हमारी एवरीडे लाइफ में जो हम देखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज के परे, उस चीज के बियॉन्ड एक दूसरा वर्ल्ड होने का पॉसिबिलिटी के बारे में एक डीपली सोचने के लिए हमें क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.